गाइज, अगर आप आइडिया का नेट यूज़ करते हैं और आपका नेट बिल्कुल स्लो चलता है और आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए लेकर आया हूँ आइडिया का बेस्ट टिप एंड ट्रिक, जिसकी मदद से आप अपने नेट को पहले से 2 से 3 गुना स्पीड ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। गाइज, आप इस एपीएन को एक बार अपने फ़ोन में सेट कर लेते हैं तो उसके बाद कभी भी आपको नेट स्लो जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपने घर के अंदर भी बड़ी आसानी से नेट को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, बिना टाइम गवाए इस ट्रिक के बारे में जानते हैं। गाइज, ट्रिक के बारे में जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक और टेक्नोलॉजी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए गाइज, ट्रिक के बारे में जानते हैं। गाइज, सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाता है। गाइज, किसी किसी फ़ोन में सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन रहता है तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए, मेरे फ़ोन में मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन है तो सिंपली मैं मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक कर लेता हूँ। जब आप मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स पर क्लिक कर लेना है। गाइज, जब आप एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पहले से डिफ़ॉल्ट एपीएन मिल जाता है, तो सबसे पहले हमें इसे रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के लिए मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करके एपीएन को रीसेट कर लेना है। गाइज, आपके फ़ोन में रीसेट का ऑप्शन नीचे भी हो सकता है तो आपको वहाँ पर क्लिक करके एपीएन को रीसेट कर लेना है। गाइज, एपीएन को रीसेट करने के बाद आपको एक न्यू एपीएन को क्रिएट करना है। न्यू एपीएन को क्रिएट करने के लिए ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। गाइज, किसी किसी फ़ोन में प्लस का आइकन या न्यू एपीएन का ऑप्शन रहता है तो आपको वहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए गाइज, मेरे फ़ोन में ऐड का ऑप्शन है तो सिंपली मैं ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। गाइज, यहाँ पर आने के बाद हमें सभी सेटिंग को यहीं पर सेट करना है, इसलिए आप इस स्टेप को पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको नेम पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर टाइप कर लेना है आइडिया 4G, आइडिया का आई कैपिटल में, 4G का जी कैपिटल में, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद एपीएन पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप कर लेना है आइडिया इंटरनेट, आइडिया का आई कैपिटल में, इंटरनेट का आई कैपिटल में, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद प्रोक्सी नोट सेट, पोर्ट नोट सेट, यूजर नेम नोट सेट, पासवर्ड नोट सेट, उसके बाद सर्वर पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप कर लेना है *99****1#। ये टाइप करने के बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद MMSC नोट सेट, MM प्रोक्सी नोट सेट, MMS पोर्ट नोट सेट, MCC और MNC को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर PAP को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद APN टैब नोट सेट, उसके बाद APN प्रोटोकॉल पर क्लिक करना है और यहाँ पर IPv4/IPv6 को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद APN रोमिंग प्रोटोकॉल पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी IPv4/IPv6 को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बियर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको LTE पर टिक मार्क करके सेलेक्ट कर लेना है। पूरा फिल करने के बाद आपको मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आइडिया 4G के नाम से एक APN क्रिएट हो चुका है। गाइज, सेव करने के बाद कभी भी आपको नेट स्लो जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस ट्रिक के बारे में पता चल सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक और टेक्नोलॉजी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं गाइज ऐसे ही कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।